हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज की वीडियो किसी रिपेयरिंग के बारे में नहीं होने वाली है। आज की वीडियो हम देखेंगे जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप होता है उसमें आने वाली ज़्यादातर जो खराबियां होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल इसमें जो ज़्यादातर खराबी आती है वो दो सेक्शन में आती है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी यूजफुल हो सकती है, अगर आप इसका काम करते हैं या करने की सोच रहे हैं। नहीं भी करते हैं तो वीडियो देख करके इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। दो सेक्शन के बारे में जो मैं बताऊंगा वहाँ पर आपका 60 से 70% इसको रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपका 30-40% रह जाएगा वो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो मैं बताऊँगा वहाँ पर आप 60-70% रिपेयरिंग ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी इंडक्शन पर। ऐसा नहीं है कि यही इंडक्शन पर, आप एक ही कंपनी एक ही मॉडल को मत पकड़ के चलना। आप जो भी हमारे टोटल इंडक्शन होते हैं उसको लेकर के हम चलेंगे। पीसीबी देख सकते हैं, एक इंडक्शन जब भी आप खोलेंगे इस तरीके से एक फाइल होती है और एक हमारी पीसीबी होती है। यहाँ पे हमारा ये फैन लगा हुआ होता है। तो जो इसमें ज़्यादातर आता है उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि दो ही सेक्शन में ज़्यादातर फॉल्ट आता है वो क्या है, इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं। दो सेक्शन, एक हमारा यहाँ पे होता है स्विचिंग सेक्शन, जो कि ये एरिया हो गया स्विचिंग सेक्शन, और एक होता है हमारा ये पावर सेक्शन, इसको हम कह सकते हैं पावर सेक्शन। तो दो सेक्शन हो गए, तो आपके दो तरीके डेड आएंगे, दो तरीके से ये डेड हो जाएगा। फ्यूज आपका दोनों ही सेक्शन में प्रॉब्लम होने से टूट सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूज मेरा यहाँ पे टूटा हुआ था, ये सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो भी फ्यूज टूट सकता है, ये सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो भी फ्यूज टूट सकता है, नहीं भी टूट सकता है, टूट भी सकता है। तो फ्यूज टूटा है तो दोनों ही सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ को आप पकड़ के चलें। तो यहाँ पर हम पहले इस वाले सेक्शन में लेते हैं। अगर आपके इंडक्शन में डिस्प्ले आ रही है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, गर्म नहीं कर रहा है, या ऐसा भी होता है ज़्यादातर पे इंडक्शन के अंदर से ब्लास्टिंग की आवाज़ आती है और डेड कंडीशन में आता है इंडक्शन, ज़्यादातर हमको डेड कंडीशन में ही देखने को मिलता है वैसे तो। तो डेड होने का मतलब है फ्यूज टूटा है, फ्यूज तभी टूटेगा। यहाँ पर एक हमारा IGBT होता है, ये देख सकते हैं, ये ज़्यादातर हमारा ख़राब होता है। इसकी पिनों को आप कंटिन्यूटी से चेक करेंगे तो ये 70-80 या 0 बीप दिखाएगा हर पिन पे, या 2 पिन पे किसी में भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ज़्यादातर केस में आप इसको निकालें और फ्यूज जोड़ें, समझना बात को, इसको निकालें यहाँ से, फ्यूज को जोड़ें और इसको पावर देंगे तो आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। फिर सेम नंबर का लगा दें, नहीं मिल रहा है तो कुछ नंबर कॉमन होते हैं जो कई इंडक्शनों में यहाँ पर लग जाते हैं, तो उसको लगा के भी आप बना सकते हैं। और एक इसके बगल में ही ब्रिज होता है हमारा डायोड, वो भी हमारा शॉर्ट होता है। तो दोनों की पिनों को चेक कर लें, बस इसको चेक करने का सिंपल तरीका है मल्टीमीटर लें, दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक करें, बीप आई तो ख़राब है और नहीं आए तो सही है, या रीडिंग आपकी 300 400 600 700 इस तरीके से आ रही है तो भी ये सही है। फ्यूज टूटेगा तो ये दोनों में से कुछ भी ख़राब होगा तो भी फ्यूज टूटेगा। अब आती है इधर की प्रॉब्लम, इधर की प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो पावर प्रॉब्लम है ये हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस केस में क्या करना है आपको, यानी फ्यूज जोड़ने के बाद ये सेक्शन भी हमारा ठीक है, ये शॉर्ट भी नहीं है, फ्यूज जोड़ा फिर भी इधर हमारी लाइट नहीं आई, या हमने इधर ये ख़राब थे फ्यूज जोड़ा, इनको डाला फ्यूज जोड़ा फिर भी हमारी डिस्प्ले नहीं आई, तो उस केस में ये जो कैपेसिटर पूरी पीसीबी में इस तरह का कैपेसिटर पोलोराइट कैपेसिटर होते हैं जिसमें माइनस और प्लस होते हैं, ये माइनस होता है इधर पॉजिटिव होता है, इस कैपेसिटर में हम 12 वोल्ट या 18 वोल्ट चेक करेंगे। 18 वोल्ट अगर हमारा यहाँ पर बन रहा है तो हमारी डिस्प्ले आएगी ही आएगी, और नहीं बन रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगी, या 18 वोल्ट बन रहा है तो यहाँ पे एक हमारा रेगुलेटर लगा होता है जो कि 5 वोल्ट बनाता है, और उसके बाद हम जो ये पत्ता जा रहा है ये फ्रंट पैनल की तरफ, इसके किसी पिन पर हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। वैसे यहाँ हमको स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं कौन सा पिन हमारा 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट के लिए हमारा छोटा वाला कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट बनता है, 18 वोल्ट से एक रेगुलेटर लगा होता है, यहाँ से 18 वोल्ट इन होता है और 5 वोल्ट आउट होता है, उसके लिए भी कैपेसिटर लगता है। तो यहाँ पे आपको 18 और 5 वोल्ट चेक करने,
18 वोल्ट नहीं बन रहा है तो यहाँ का सेक्शन हमारा ख़राब है। आप सिंपली कोई भी एक पावर सप्लाई ले लें, जैसे कि अडेप्टर ले लें कोई छा भी 12 वोल्ट 2 एम्पियर, और यहाँ पे आप 18 वोल्ट का अडेप्टर ले लें और यहाँ पे आप सिंपली 18 वोल्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप 18 वोल्ट की ये रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने कई वीडियो बनाई हैं जिसमें हम इसको हम रिपेयर करके देखेंगे, उसका आप वीडियो देख सकते हैं। तो दो ही फाल्ट ज़्यादातर, अगर आप ये दोनों फाल्ट सीख गए बनाना तो यहाँ पे 60-70% इंडक्शन आप बना सकते हैं। एक यहाँ पे जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आएगी आपको यहीं देखने को मिलेगी, ये आपका ये ख़राब हुआ होगा, ज़्यादातर में फ्यूज टूटा होगा तो ये पक्का ख़राब होंगे। ये नए डाल देना, फ्यूज जोड़ देना, डिस्प्ले आ जाएगी, नहीं आएगी तो इसमें चेक करना वोल्टेज, नहीं आएंगे तो यहाँ पर आपको 18 वोल्ट देने हैं, चाहे आप कोई सी भी सप्लाई से दे। या मॉड्यूल भी मिलते हैं हमारी, जहाँ से हम 230 वोल्ट एसी इन देकर के 18 वोल्ट आउट करवाते हैं, वहाँ से भी दे सकते हैं, मतलब 18 वोल्ट के मॉड्यूल वोड्यूल लगा के यहाँ पे दे दें तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।